चलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, लेट अस स्टार्ट। अभी जो अपने पढ़ाई कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस हालांकि सीएमए के बुक्स में भी दिया हुआ है, बट आज तक उससे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। बट सीएमए न्यू सिलेबस में अभी फर्स्ट टाइम डाला है, ओल्ड सिलेबस में इसके ऊपर कोई जिक्र नहीं था। और अगर मैं पेपर की बात करूं तो लास्ट पेपर जो सीए का हुआ था नवंबर 19 में, उसमें इन्वेस्टिगेशन को लेके एक छोटा सा कैलकुलेशन पूछा था। इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस मतलब हम लोग बोलना चाहते हैं कि वेरिएंस में इन्वेस्टिगेशन करना, यानी कि जैसे आप वेरिएंस निकाल लिए और फिर अब छानबीन करना कि वे वेरिएंस आया क्यों, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ वेरिएंस ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन, वो छानबीन करने का एक कॉस्ट होता है, उसमें एक समय जाता है, उसके लिए एक टीम चाहिए, तो उसका एक कॉस्ट होता है। तो वो कॉस्ट आपको बियर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वेरिएंस वाला सिस्टम लगाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में यू हैव टू बियर इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। सो पॉइंट इज वेदर यू शुड बियर दैट कॉस्ट और नॉट। ठीक है, सो बिफोर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग व्हेन वी शुड डू द इन्वेस्टिगेशन एंड वेदर वी शुड बियर द कॉस्ट और नॉट, देर आर सम बेसिक थिंग्स टू बी अंडरस्टूड। वेरिएंस एनालिसिस रिक्वायर रिसोर्सेज। ठीक है, नॉट ऑल वेरिएंस इंडिकेट आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन। ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही थोड़ा सा वेरिएंस आया मतलब सब कुछ आपके हाथ से निकल रहा है। नॉट ऑल वेरिएंस इंडिकेट आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ऑडिट करने जाते हैं तो यू सी सेवरल एक्सेप्शंस मैनी टाइम्स विच वी लीव एज इट इज़ ऑन ग्राउंड्स ऑफ इमटीरियलिटी। एक्सेप्शन है बट इमटीरियलिटी के ग्राउंड पर हम लोग छोड़ देते हैं, होता है ना? तो वही चीज़ बोलना चाह रहे हैं, नॉट ऑल वेरियंट्स इंडिकेट आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन। ओके, सो नेक्स्ट इज फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग। बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग इन टू वेरियंसेज, वॉट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड? वन इज साइज ऑफ वेरियंस, दैट इज द अमाउंट इन्वॉल्व। इफ अमाउंट इज वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट देन यू शुड नॉट इन्वेस्ट ऑन इन्वेस्टिगेशन। देन देर इज टाइप ऑफ वेरियंस, वेदर इट इज एडवर्स और फेवरेबल। और इसमें एक चीज ध्यान रखना कि इट्स नॉट दैट ऑलवेज वी इन्वेस्टिगेट इन टू एडवर्स वेरियंस, वी इन्वेस्टिगेट इन टू फेवरेबल वेरियंस ऑल्सो। पिछले दिन आपको क्रॉस इम्प्लीकेशन समझाया था कि अगर मेरा MPV फेवरेबल आ रहा है, मतलब हम सस्ता क्वालिटी का मटेरियल खरीद के अपना प्रोडक्शन कर रहे, तो उसमें मेरा कहीं ना कहीं बाद में जाके लॉस हो सकता है, गुड्स बिके ही नहीं अल्टीमेटली, सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरियंस ही नेगेटिव आ जाए तो। सो एक जगह फ़ायदा होता है तो दूसरा जगह नुकसान हो सकता है, इसलिए वी शुड ऑलवेज इन्वेस्टिगेट बोथ। सो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बोथ मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। ऐसा नहीं होता कि आप खाली एडवर्स वेरिएंस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, बोथ मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। देन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग यू हैव टू कंसिडर। देन पैटर्न इन वेरिएंस, पैटर्न मतलब मैं आपको दिखाऊंगा अभी, पैटर्न मतलब डिस्कशन होगा। और पैटर्न अगर वर्स हो रहा है, धीरे धीरे दिख रहा है कि और ख़राब होता चला जा रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी हो जाता है। एंड बजटरी प्रोसेस, समटाइम्स वी कीप इन्वेस्टिगेशन ऑन वेरियंस, हम लोग खाली वेरियंस पे ध्यान ज़्यादा देते हैं कि, और ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक्चुअली गड़बड़ हुआ, जो हुआ एक्चुअल में गड़बड़ हुआ। वी डोंट चैलेंज आवर बजटरी सेटिंग प्रोसेस। सो वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि हो सकता है बजट सेटिंग ही गड़बड़ हुआ हो। सो बजटरी प्रोसेस भी आपको चेक करना चाहिए कि इफ़ इट इज़ अनरियलिस्टिक और अनकंट्रोलेबल, बजटरी प्रोसेस टू बी री इवेल्युएटेड दैन द वेरियंसेज। मतलब हर समय वेरियंस को इवेल्युएट करना ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपका बजट सेटिंग में प्रॉब्लम हो। जैसे बजट में आप बहुत सारा, वो कल पढ़ा रहा था ना आपको, एक्स आंते स्टैंडर्ड्स ही रखते हैं, जो समय के अनुसार चेंज करके एक्स पोस्ट नहीं किया गया है, तो उस बजट में बहुत सारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हमेशा इंक्लूडेड रहता है, इसलिए वेरियंसेज आते रहता है। तो इससे बेटर ये है ना, बार बार वेरियंस पर इन्वेस्टिगेट करने से अच्छा आप बजटरी प्रोसेस को चेंज कर दें। सो एक बार फिर से आप देखो, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग में एक तो साइज यानी अमाउंट ऑफ वेरियंस है, दूसरा आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग है, तीसरा आपका टाइप ऑफ वेरियंस है कि वो फेवरेबल है कि एडवर्स है, चौथा वेरियंस का पैटर्न कैसा जा रहा है, वो वर्स हो रहा है तो इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी हो जाता है, और पाँचवा बजटरी प्रोसेस है। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड मेथड्स दैट हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर वी शुड इन्वेस्टिगेट और नॉट। Methods means these are the methods that will help you to understand
whether we should investigate or not. So there is one rule of thumb model which is a very easy model. इसी के ऊपर अभी अपना सी एन यू सिलेबस में क्वेश्चन आया था. रूल ऑफ थंब बोलता है कि अगर हम एक टॉलरेंस लेवल सेट कर देंगे कि अगर हमारा वेरिएंस सोचो 10% तक आया तो हम कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे. बीट एडवर्स बीट फेवरेबल, मतलब हमारा बजट अगर 1 लाख रुपीज़ है तो मेरा एक्चुअल 110 हुआ या एक्चुअल 90 हुआ तो ऊपर नीचे का एक टॉलरेंस लेवल सेट कर देंगे. तो बजट से 10% ऊपर में भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है और 10% नीचे में भी नहीं करना है. अगर वो 10% का सीलिंग को क्रॉस कर जा रहा है, 11% आ रहा है, 15% आ रहा है या नीचे में 11-15 आ रहा है तब इन्वेस्टिगेशन करेंगे. रूल ऑफ थंब मॉडल इज सेइंग इन्वेस्टिगेट इफ द वेरियंस अमाउंट और परसेंट इज ग्रेटर देन सर्टेन लिमिट. बट कौन सा वेरियंस, याद रखना, बोथ फेवरेबल एंड एडवर्स वेरियंस. डोंट एवर कंसिडर दैट दैट यू शुड ओनली ओनली इन्वेस्टिगेट इन टू एडवर्स वेरियंस. बोथ फेवरेबल एंड एडवर्स वेरियंस वुड बी इन्वेस्टिगेटेड इफ योर टॉलरेंस लेवल इज सेट एंड इफ योर वेरियंसेज आर क्रॉसिंग दैट टॉलरेंस लेवल देन यू मस्ट इन्वेस्टिगेट. देन देर इज स्टैटिस्टिकल डिसीजन मॉडल. उसमें एक प्रोबेबिलिटी वाला है, मैं ये PB प्रोबेबिलिटी वाला पढ़ाइए, इसको मैं 2 मिनट बाद लेता हूँ. पहले एक चार्ट को देखो, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट. कंट्रोल चार्ट क्या बोलता है कि आप अपना यहाँ पर वेरियंसेस को प्लॉट करो, जैसे डे वाइज क्या क्या वेरियंसेस आ रहे हैं उसको प्लॉट करो. यहाँ पे सोचो यूसेज है, यहाँ पे डेज है. यूसेज माने यूसेज वेरियंस है, ठीक है, और यहाँ पर आपका डेज है. तो आपने यूसेज वेरियंस को प्लॉट किया कि मेरा कभी क्या आ रहा है, कितना रुपया का आ रहा है, कभी कितना रुपया का आ रहा है, आपने उसको प्लॉट किया. नाउ व्हाट यू कुड सी इज फर्स्ट केस में जो भी वेरियंसेस आ रहे हैं, ओके, वो अपना एक रेंज को फॉलो कर रहे हैं. हालांकि ये जो रेंज है इसमें एक कैलकुलेशन होता है अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट का, ओके. कंट्रोल चार्ट्स एक स्टैटिस्टिक्स की दुनिया का एक अलग चैप्टर है जिसमें अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट का एक पढ़ाई होता है. ये CMA वाले लोग का सिलेबस में आता भी है जिसका मैं एक अलग से एक्स्ट्रा क्लास देता हूँ उनको. अगर वो आपने एक्स्ट्रा क्लास नहीं किया हुआ है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर भी CMA एक्स्ट्रा क्लास बोल के देख सकते हैं, या फिर आपको हमारे वीडियोस में ज़रूर दिया हुआ ही होगा. अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट एक कैलकुलेट करने का तरीका होता है जो हमारे अभी स्कोप ऑफ डिस्कशन में नहीं है. एग्ज़ाम में CMA में आ सकता है, वो अलग से एक्स्ट्रा क्लास में कवर किया हुआ है तो मैं अभी उसको यहाँ उठा नहीं रहा. मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि ये लोअर कंट्रोल लिमिट अपर कंट्रोल लिमिट निकालने का तरीका होता है. तो उसके रेंज में यदि वेरियंसेस घूम रहा है, ठीक है, वेरियंसेस जो भी आ रहे हैं वो उसके रेंज में आ रहे हैं, और मे बी आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि इसमें वेरियंस नहीं प्लॉट करके आप ऐसा सोचो, और भी एक तरह से बन सकता है, सोचो बजटेड अमाउंट आपको पता है, बजटेड यूसेज आपको पता है, आप एक्चुअल यूसेज को खाली प्लॉट करो. डे वाइज एक्चुअल यूसेज को प्लॉट कर सकते हो आप. एक्चुअल यूसेज अगर आपका विद इन अ रेंज आ रहा है तो कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है. अगर रेंज में से 2 आइटम सोचो बाहर चला गया तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन इस 2 आइटम का करना है. इन्वेस्टिगेशन ओनली द 2 अबव द लाइन. जो आपका रेंज से बाहर जा रहा है उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये क्यों जा रहा है. बट एक केस बहुत ही यूनिक है जहाँ पे पैटर्न देखा जा रहा है. देखो अभी तक यहाँ पर सोचो वेरियंस अपना रेंज में था, बट अचानक से देखा जाने लगा कि ये अलग दिशा में जाए जा रहा है, अलग दिशा में एक पैटर्न बना रहा है. हो सकता है ये आगे जाके और ऊपर चला जाए और नुकसान करेगा, इसलिए यहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा. इन्वेस्टिगेट एज पैटर्न इज इंडिकेटिंग एडवर्सिटी. पैटर्न एडवर्स के दिशा में जा रहा है, बहुत हाई लिमिट पे जा रहा है, इसलिए इन्वेस्टिगेट करो. यहाँ पे सिर्फ 2 आइटम को इन्वेस्टिगेट करो, यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्टिगेट मत करो बिकॉज वो एक लिमिट में है. अब वो लिमिट क्या होगा, वो कैसे डिटरमाइन होगा, उसके लिए स्टैट्स में बहुत सारी पढ़ाई है, ठीक है, सिग्मा विग्मा को लेकर. हम लोग उस पढ़ाई में नहीं जा रहे, हम लोग उसको जनरलाइज वे में भी सीख रहे हैं. सिर्फ CMA वालों को ये कैलकुलेशन में पूछा जाता है जिसका अलग से एक्स्ट्रा क्लास है, इसलिए मैंने अभी उसको पिकअप नहीं किया है, ठीक है. नाउ एक और आता है, इन्वेस्टिगेट इफ PB इज ग्रेटर देन C. नाउ व्हाट इज P, व्हाट इज B, व्हाट इज C? C इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग. इन्वेस्टिगेशन का टीम बैठेगा तो खर्चा लगेगा, ठीक है, और B इज द बेनिफिट्स दैट वुड बी अचीव्ड इफ़ यू एक्चुअली इन्वेस्टिगेट. अगर आप इन्वेस्टिगेट करोगे तो कुछ आपको गड़बड़ मिलेगा, उसको आप सुधार लोगे तो बेनिफिट्स होगा, सेविंग्स होगा. एंड P इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली दैट बेनिफिट्स विल बी कमिंग टू यू. प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग दैट बेनिफिट.
अच्छा एक चीज़ वापस से सोचो, ध्यान से सोचो, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। पी बी ग्रेटर देन सी, सी इज़ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बी इज़ द बेनिफिट दैट विल बी अचीव्ड इफ़ यू इन्वेस्टिगेट। नाउ व्हेन वी इन्वेस्टिगेट व्हाट हैपन्स इज, एक इसमें सिनेरियो एनालिसिस होता है। व्हेन वी इन्वेस्टिगेट, ओके, देयर कैन बी टू सिनेरियो। व्हाट यू विल सी इज एवरीथिंग इज ऑलरेडी इन कंट्रोल, देयर इज नो डिविएशन। When you have decided that I will investigate into variance, I'll set up a team. Now the team has been set up, the cost has been incurred. Now when the team was set up, what happened was everything was found in control, nothing was out of control. So when everything is found in control, आपका जो cost of investigation है वो लग गया और benefit कुछ नहीं आया, क्यों? क्योंकि सब कुछ सही था अंदर में, कुछ गड़बड़ हुआ ही नहीं। और दूसरा केस हो सकता है कि जब आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो खर्चा लग गया, cost of investigation हो गया, एंड सिनेरियो केम एज थिंग्स वेर आउट ऑफ कंट्रोल। तो थिंग्स वेर आउट ऑफ कंट्रोल, देन दिस इन्वेस्टिगेशन टीम विल एक्चुअली वर्क हार्डर टू गेट सम बेनिफिट्स टू सेव यू फ्रॉम सम लॉसेस, राइट? सो इन्वेस्टिगेशन टीम का कॉस्ट का वसूली कब होगा? जब प्रोसेस विल बी फाउंड आउट ऑफ कंट्रोल। इफ प्रोसेस इज फाउंड इन कंट्रोल, देर इज नो लॉस, देर इज नो बेनिफिट्स। इफ प्रोसेस इज फाउंड आउट ऑफ कंट्रोल, देन देर इज सम बेनिफिट, राइट? So B is the benefit that will come, if the things go out of control. Okay, if you are investigating and if the things are out of control, then only benefits will come. So now, अब अपने को दो scenario मिलता है ना कि क्या तो सब कुछ in control होगा या तो out of control हो सकता है। Now out of control और in control का probability पता किया जाता है, उसके ऊपर भी बातचीत कर लेंगे हम लोग। आउट ऑफ कंट्रोल और इन कंट्रोल का प्रोबेबिलिटी पता किया जाता है, ओके? तो जनरली हम लोग इन कंट्रोल का प्रोबेबिलिटी पहले पता करते हैं और फिर उससे आउट ऑफ कंट्रोल की प्रोबेबिलिटी पता करते हैं। जैसे ये जो लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली यहाँ पर होगा, ठीक है? वो इसमें यहाँ पे प्रिंट हो गया, बट वो यहाँ पर प्रिंट होगा। प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल निकालने का तरीका क्या है? वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इन कंट्रोल, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इन कंट्रोल। इन कंट्रोल की प्रोबेबिलिटी निकालने का एक तरीका है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। इन कंट्रोल निकालने का प्रोबेबिलिटी का एक तरीका है, वो एक बार अभी सिखा दूंगा आपको। बट आउट ऑफ कंट्रोल का प्रोबेबिलिटी कैसे निकलता है? वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ थिंग्स इन कंट्रोल, ठीक है? सो एक बार पहले माइंड में फ्रेमवर्क बैठाओ। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन लगता है, करेक्ट? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनकर करने के बाद दो सिनेरियो हो सकता है, ठीक है? दो सिनेरियो हो सकता है, क्या क्या? सब कुछ इन कंट्रोल होगा या फिर आउट ऑफ कंट्रोल होगा, करेक्ट? अगर इन कंट्रोल होगा तो कोई बेनिफिट नहीं आएगा, कॉस्ट लग गया, और आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो बेनिफिट आएगा, कॉस्ट जो लगा उससे कुछ फ़ायदा भी होगा, राइट? ओके, सो मैं एक बार अभी इसको इतना जो समझाया, इसके बेस पे एक आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। आप देखो, एक कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, उसका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग है 6,400 रुपया। ध्यान से सोचो एक बार, 6,400 रुपया। हो सकता है वो डिसाइड करेगा कंपनी कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करना ही नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ नॉट इन्वेस्टिगेशन क्या है? कुछ भी नहीं है, 0 रुपीज़ है। कंपनी डिसाइड किया कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करना ही नहीं है, ओके? तो दो सिनेरियो आ गया। कंपनी बोल रहा है मैं कुछ इन्वेस्टिगेशन करूँगा ही नहीं, कंपनी बोल रहा है मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा। अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया तो क्या होगा? तो पता चला सब कुछ इन कंट्रोल है। अगर सब कुछ इन कंट्रोल है तो कुछ कॉस्ट लगा ही नहीं, कुछ नुकसान हुआ ही नहीं, करेक्ट? और इन्वेस्टिगेशन नहीं किया तो पता चला सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो एक लॉस हो सकता है, वो 80,000 का। आपका इन्वेस्टिगेशन का कॉस्ट नहीं लगा, बट ये लॉस हो गया, थिंग्स वेंट आउट ऑफ कंट्रोल उसके कारण। नाउ ये प्रोबेबिलिटी मान लीजिए अभी दिया हुआ है 95% इन कंट्रोल। अगर इन कंट्रोल रहने का 95% है तो आउट ऑफ कंट्रोल होने का प्रोबेबिलिटी 5% है। सो अल्टीमेटली अपने पता लगाते हैं कि कॉस्ट ऑफ नॉट इन्वेस्टिगेटिंग करके, यानी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया तो मेरा नेट नुकसान क्या हो सकता है। हम लोग इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू, आपने स्टैट्स में पढ़ा, इज इक्वल टू समेशन एक्स पी, एक्स इंटू पी। सो यहाँ पे आप देखिए 0 होगा और यहाँ पे 80,000 इंटू 5% होगा आपका 4,000, और यहाँ पर कोई कॉस्ट लगा ही नहीं है। तो एक्चुअली इसका कैलकुलेशन ऐसे होना चाहिए, जैसे 0 प्लस 0, मतलब यहाँ पे 0 लगा प्लस ये 0 है, तो टोटल कॉस्ट तो 0 ही हुआ ना, ओके? तो 0 प्लस 0 इंटू 95%, समझ में आ रहा है आपको प्रोसेस? कॉस्ट ऑफ नॉट इन्वेस्टिगेटिंग कुछ लगा ही नहीं, और इन कंट्रोल है तो फिर कुछ कॉस्ट नहीं लगा, प्लस फिर 0 ऊपर में नॉट इन्वेस्टिगेटिंग का कॉस्ट,
प्लस आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो 80,000 इंटू 0.05, ऐसा करके आपका अमाउंट 4,000 रुपीज़ आया। ओके, मतलब अगर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो आपका घर से 4,000 रुपया जा सकता है। ओके, एवरेज में 4,000 जा सकता है, ये स्टैट्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू का पढ़ाई है। नेक्स्ट आ रहा है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग। अगर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे तो एक कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, फिर पता चला सब कुछ इन कंट्रोल है, तो इन कंट्रोल है तो आगे जाके तो कोई लॉस होगा नहीं, ठीक है, बट इसका प्रोबेबिलिटी 95%, तो आपका 6,400 तो लग गया। तो कैसे आया, देखो यहाँ पे 6,400 प्लस 0 × 0.95, कैसे आया, 6,400 प्लस 0 प्लस 0 बिकॉज यहाँ पे 0 है, × 0.95। ओके, अब दूसरा केस हो सकता है 6,400 रुपया हमारा इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट लगा और सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल था, तो आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद भी हमारा जो लॉस है वो 80,000 की जगह अभी 16,000 हो गया। मतलब इन्वेस्टिगेशन के कारण हम लोग बहुत सारा कॉस्ट बचा लिए और वो कॉस्ट हमारा 16,000 रुपया हो गया, तो उसका सेविंग्स का प्रोबेबिलिटी बट 5% ही है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, 6,400 प्लस 16,000 × 0.05, सो इफ़ यू चेक दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू इज़ कमिंग 7,200। सो इफ़ यू आर नॉट इन्वेस्टिगेटिंग द एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज 4,000, इफ़ यू आर इन्वेस्टिगेटिंग एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज 7,200, सो द डिसीजन टू बी टेकन इज यू शुड नॉट इन्वेस्टिगेट। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इन्वेस्टिंग इज़ नॉट फाइनेंशियली वर्थ वाइल। अगर नॉन फाइनेंशियल रीजन से आप सोचना चाहते हैं तो इट कैन बी वर्थ, बट फाइनेंशियली इट इज़ नॉट वर्थ वाइल। दिस इज़ हाउ यू नो कंपनीज थिंक वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन आवर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और नॉट। ये एक तरीका होता है, इसको डिसीजन ट्री एनालिसिस बोलते हैं। डिसीजन ट्री बनाया गया, ये इस तरह से डिसीजन ट्री बनाकर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल कर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि वेदर वी शुड इन्वेस्टिगेट और नॉट। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट मैट में डिस्कस किया हुआ है, अभी तक आया नहीं है, बट मैं भी आपको डिस्कस करके समझा दे रहा हूँ, बिकॉज अगर आया नहीं है तो आप तो छोड़ ही देते ना पूरा। अभी कुछ तो नॉलेज हो गया कि हाँ ऐसा कुछ एक ट्री बनता है, नहीं करो तो क्या होगा, इन्वेस्टिगेट करो तो क्या होगा। ओके, स्टूडेंट्स का मिस्टेक क्या होता है, इस तरह का सम यदि कभी आ जाता है ना तो वो सिर्फ राइट साइड वाला सोचते हैं, वो लेफ्ट साइड वाला नहीं सोचते हैं। तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों सोच के कंपेयर करना होता है कि इन्वेस्टिगेट हम करें कि ना करें। ओके, नाउ पॉइंट आता है कि सर ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, ये वाला प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोसेस इन कंट्रोल ये कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोसेस इन कंट्रोल, इसको निकालने के लिए हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सहारा लेते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने सुना होगा, मैंने भी बीच में एक बार और आपको बताया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सहारा लेते हैं, ओके, वी यूज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इन कंट्रोल वाला प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें जैसे फॉर इंस्टेंस आपको जानना है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम टेकन, एक एग्जांपल है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आवर्स व्हेन प्रोसेस इज इन कंट्रोल। मुझे ये जानना है, ठीक है, मुझे ये जानना है, आई वॉन्ट टू नो दिस विल बी वॉट। ओके, सो फॉर दिस द आइडिया इज यू विल हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बाई टेकिंग इट एज एरिया ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू, इज इसका कंपेरेटिव वैल्यू आएगा। और एक्स को जेड में चेंज कैसे करते याद है, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो ये म्यू बाई सिग्मा आपको वैल्यू क्वेश्चन देगा कि आपका एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स क्या है और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, उससे जेड निकलेगा और फिर आप इससे एक एरिया निकालोगे। ओके, सो सोचो ये एरिया सॉल्व कर करा के मैंने एक वैल्यू पकड़ा कि सोचो वो 0.02 है, सोचो ये 0.02 है, बट मैंने अभी जो सिखाया है आपको ये सिखाया इफ़ प्रोसेस इज इन कंट्रोल एंड देयर इज़ अ लिमिट ऑफ 3 आवर्स। आप सोच रहे हैं 3 आवर्स से ज़्यादा हमारा सिस्टम टाइम ले रहा है जबकि सब कुछ कंट्रोल में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.02। ओके, आप इन्वेस्टिगेट कब करते हो, जब आपका लिमिट से बाहर होगा बट थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल, तब बेनिफिट आएगा। देखो ध्यान से सोचो,
सोचो मेरा प्रोसेस में ना, मेरे को लग रहा है 3 घंटा मेरा टॉलरेंस है, उससे ज़्यादा या उससे इक्वल होते ही मेरे को मतलब 3 घंटा के कम रहे तो ठीक है, मैं तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, 3 घंटा से ज़्यादा हो तो मेरे को टॉलरेट नहीं होता, उतना डिफेक्ट्स मेरे को टॉलरेट नहीं हो रहा, उतना एडवर्सिटी मेरे को टॉलरेट नहीं हो रहा। तो मैं क्या जानना चाह रहा हूँ कि मेरा प्रोसेस जब सब कुछ कंट्रोल में है तो 3 घंटा से ज़्यादा लग सकता है क्या? तो उसका प्रोबेबिलिटी है 0.02। ओके, और आपको जो प्रोबेबिलिटी यूज़ करना है, ठीक है, आपको जो प्रोबेबिलिटी यूज़ करना है वो यूज़ करना होता है मेनली टू डिसाइड वेदर वी शुड इन्वेस्टिगेट और नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल एंड टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आवर्स, तो क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल एंड टाइम इज ग्रेटर देन 3 आवर्स, और इसका आंसर है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इन कंट्रोल विच इज इक्वल टू 0.98। ये देखिए, मतलब अभी इन कंट्रोल है तो प्रोबेबिलिटी है सिर्फ 0.02, आउट ऑफ कंट्रोल है तो प्रोबेबिलिटी अपोजिट हो जाएगा। मतलब हम जानना चाह रहे हैं वही ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का ही, और प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो ग्रेटर देन 3 होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? आंसर है 0.98, बिकॉज इन कंट्रोल में प्रोबेबिलिटी है उसका 0.02। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज लाइक योर टॉलरेंस लेवल टच कर जाएगा, ठीक है, उस या उससे आगे भी जा सकता है, और सब कुछ इन कंट्रोल है तो 0.02, और सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0.98। तो ये वाला जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी एक्चुअली हम लोगों के काम में आता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इन कंट्रोल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल एज वेल एज आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, आउट ऑफ कंट्रोल भी एज वेल एज आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन भी। प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल एज वेल एज आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, दोनों कंडीशन मीट होना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिकेशन पार नहीं होगा तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्यों? हम तो अपने लिमिट में ही रह गए तो हमें इन्वेस्टिगेशन करना ही नहीं, और स्पेसिफिकेशन पार हो गया और प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल क्यों सोच रहे हैं? बिकॉज जब तक आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा हमारे पास बेनिफिट नहीं आएगा, विद इन कंट्रोल में कोई सेविंग्स होता नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल होगा तभी तो इन्वेस्टिगेशन करने का बेनिफिट आएगा, राइट? सो आपको अब सोचना कैसे है, सोचो कि मान लो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है 100 रुपीज़, बेनिफिट आने का चांस है जितना, मतलब बेनिफिट आप ला सकते हो, बेनिफिट लाने ला सकते हो अगर सब चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, तो वो है 1,000 रुपया, ठीक है। सो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताओ मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए आउट ऑफ कंट्रोल होने का कि आपको इन्वेस्टिगेशन का कोई फ़ायदा मिलेगा? इन्वेस्टिगेशन का कॉस्ट है 100, इन्वेस्टिगेशन का बेनिफिट 1,000 रुपया है, और बेनिफिट कब आएगा? जब सब कुछ हाथ से गया हुआ होगा, आउट ऑफ कंट्रोल होगा। तो ये पूछा जा रहा है, व्हाट वुड बी द मिनिमम प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन शुड हैव इन ऑर्डर टू जस्टिफाई एनी इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन को जस्टिफाई करने के लिए मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? तो इसी इक्वेशन से निकल जाएगा आपका, इट इज़ सी बाई बी, थैंक यू सिद्धार्थ एंड उमा, 100/1000 इट इज़ इक्वल टू 0.1। सो कम से कम 0.1 चांस होना चाहिए आउट ऑफ कंट्रोल होने का। तो अगर क्वेश्चन बोलता है 0.25 चांस है तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करो। और ऐसे भी सोच सकते हो आप, जैसे पी इंटू बी इज़ लाइक द नेट बेनिफिट, इट्स लाइक यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, बेनिफिट शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट, एंड बेनिफिट सिंस सर्टेनिटी इज नॉट देयर दैट बेनिफिट विल कम, इसलिए पी इंटू बी से नेट बेनिफिट पता कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड बेनिफिट पता कर रहे हैं विच इज़ पी इंटू बी। ओके, पी इंटू बी इज इंडिकेटिंग एक्सपेक्टेड बेनिफिट। ओके, सो अगर मैं बोलता हूँ मेरा प्रोसेस का आउट ऑफ कंट्रोल होने का चांस 25% है, तो बेनिफिट कितना हो सकता है? 1,000 रुपीज़ इंटू 25%, 250 रुपीज़ का बेनिफिट हो सकता है, एंड कॉस्ट कितना है? 100 रुपीज़ है, सो आई शुड इन्वेस्टिगेट, बेनिफिट इज़ मोर देन द कॉस्ट, इन्वेस्टिगेट ओनली इफ बेनिफिट इज़ मोर देन द कॉस्ट, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा? ये जैसे ये तो एक और तरीका प्रोबेबिलिटी का बताया, और एक तरीका मैंने क्या बताया कि आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इन कंट्रोल कर सकते हैं, और इन कंट्रोल का प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मदद से निकलता है।
इन कंट्रोल का प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से निकलता है, उससे जो आंसर आया उससे आप आउट ऑफ कंट्रोल का प्रोबेबिलिटी निकाल दोगे, और वही आउट ऑफ कंट्रोल का प्रोबेबिलिटी यूज़ करके आप डिसीजन लोगे इन्वेस्टिगेट करना है कि नहीं करना है। अरे कुछ नहीं तो आइडिया के लिए रूल ऑफ थंब मॉडल तो याद रखो, कुछ नहीं तो आइडिया के लिए एकदम सिंपल ये क्वेश्चन तो याद रखो, हम तभी इन्वेस्टिगेट करेंगे जब बेनिफिट ग्रेटर देन कॉस्ट होगा, और बेनिफिट कुछ नहीं तो ये तो याद रखो कि सिंस बेनिफिट यहाँ पे सर्टेन नहीं है इसलिए प्रोबेबिलिटी इनटू बेनिफिट लेना है। अब प्रोबेबिलिटी कौन सा लेना है, वो इन कंट्रोल का दिया तो वो नहीं लेना है, आपको हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल का प्रोबेबिलिटी लेना है। ठीक है, तो यही है बस आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरियंस, वेदर इन्वेस्टिगेशन इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज जस्टिफाइड और नॉट, यू हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, फाइंड कॉस्ट ऑफ नॉट इन्वेस्टिगेटिंग एंड कंपेयर। सो ये एक एग्जाम्पल से हमने कवर अप कर लिया, आपको प्रोबेबिलिटी भी निकालना सिखा दिया। ओके आप एक बार अपना इंस्टीट्यूट मैट सीए वाले स्पेसिफिकली एक बार घुमा के देख सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लास्ट में ये सब आपको मिलेगा, मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आपको समझा दिया है। इन्वेस्टिगेशन में खाली यही याद रखना है कि मुझे दोनों इन्वेस्टिगेट करना है, चाहे वो फेवरेबल हो चाहे वो एडवर्स हो, सिर्फ और सिर्फ एडवर्स वेरियंस को इन्वेस्टिगेट नहीं करना है। और जो लास्ट अभी नवंबर 19 का पेपर आया उसमें जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, उसको एक बार आज ही करके ख़त्म कर देना है। ओके सो विद दिस फ्रॉम माई साइड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ओवर। ओके मेरे तरफ से यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ख़त्म हो गया। ओके okay?